बनारस स्पेशल टमाटर चाट। आइए आइए कभी आप लोग बनारस आइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माइन। और इस बार हम जा रहे हैं भारत के सांस्कृतिक कैपिटल वाराणसी। आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बहुत अच्छा होगा। अपनी जर्नी स्टार्ट करें। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम सुबह सुबह पहुंच गए मुगल सराय। मुगल सराय से हमने ऑटो लिया, अब हम जा रहे हैं वाराणसी। तो मुगल सराय से वाराणसी है 1 घंटे का रास्ता। तो हमने ऑटो किया है, तो ऑटो वाले भैया ने बोला हमें डिस्काउंट देंगे। एक्चुअली एक फ्रेंड की वेडिंग भी है, तो फर्स्ट हम लोग वहाँ जाएंगे, उसके बाद से मेरी ब्लॉग जर्नी स्टार्ट होगी। हेलो गाइस, तो मेरे फ्रेंड की वेडिंग अब ख़त्म हो चुकी है, तो आज हम लोग निकले हैं। सबसे पहले आए काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने। तो हमारा जहाँ पर स्टे है उससे ये 30 मिनट्स के अवे पे है, तो आज सबसे पहले वहीं जाएंगे। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर गंगा आरती देखेंगे। अभी पता तो नहीं है कि अंदर कैमरा वगैरह ले जाने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, पर ट्राई करते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर अंदर का सीन तो आप नहीं देख सकते हैं, पर मैं तो दर्शन करूंगा और आप लोगों के लिए भी थोड़ी प्रार्थना कर लूंगा। तो और आपको ऐसे दिखाता हूँ। तो हर हर महादेव, हमने काशी विश्वनाथ टेम्पल का कर लिया दर्शन और अब हम बस बाहर ही आए हैं। वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं था तो मैं आप लोगों के दर्शन नहीं करा सकता, पर मैं अपने तरफ से आप सब लोगों के लिए प्रार्थना की है, तो आप लोग को भी इसका फल मिलेगा। तो यही कहना चाहूँगा, और जब भी आए बनारस तो ज़रूर काशी विश्वनाथ टेम्पल का दर्शन कीजिए। हिंदू मान्यता के हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी है, तो जब भी यहाँ आए ज़रूर दर्शन कीजिए। और मुझे तो दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली है। और बस अब हम देखेंगे गंगा आरती आगे आप लोगों। तो जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पर स्ट्रीट देख के बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहाँ जगमग जगह पर आ गए। तो स्ट्रीट में ऐसा लग रहा है कि कोई जान है, मतलब मूव कर रही है, मज़ा आ रहा है। तो ऐसे ही नहीं बोलते कि बनारस की गलियाँ, क्योंकि गलियों में भी एक अलग, क्या बोलें, अलग बात है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए गंगा आरती देखने के लिए। यहाँ पे भी लग काटिए। कृपया ध्यान दें। Hey।
तो अभी हमने गंगा आरती देख ली है, अब हम आकर बैठ गए यहाँ पर चौराहे के पीछे। जैसा आप देख सकते हैं आरती के बारे में तो बस यही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में अगर एक बार ये आरती नहीं देखी तो कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ कहीं घूमने मत जाइए, यहाँ आकर आरती देखिए तो आपका जीवन सफल हो जाए। बनारस स्पेशल टमाटर चाट, आइए आइए कभी आप लोग बनारस आइए। तो गाइस जो हमारा सातवां चाट है काशी चाट भंडार में, तो हमने आज अपनी सैलरी इस पर लगा दी है। अब हमारे पास ट्रेन का भाड़ा नहीं है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आठवां आइटम हम ट्राई करते हुए, वाह खाइए बनारस और खाइए कुछ भी। कैसा लग रहा सूरज आपको, आपका पहला इंप्रेशन क्या है बनारस का? मज़ा आ गया। मैं तो कहता हूँ काम धंधा छोड़िए, घाट पे आरती देखिए, खाना खाइए और जिए जिंदगी। हम साधा घर जाना भाई, मेरे को हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गिर जाता है हम लोग तो खुद पहले हम लोग करवाते रहे, अब देख रहे हैं कुछ सुगाट हो रही है अब हटा दें। उसको बोल अरे डिमांड है भाई 153 भाई, तुम लस्सी पियो पी। मेरे को क्यों बोला, मेरा सादा है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं। लो तुम आओ हम इंस्टाग्राम लाइव जा रहे फूड ब्लॉग में। भैया ये कहाँ से लाते हैं? चीज़ ये सब नहीं, सही इंदौर नहीं है ऐसा क्या था, वो चम्मच क्या होता है? हाँ चलता लीजिए सर, खा हम तो खाया हुआ है। हाँ तो खाए ना, खा भी हाँ ऐसा है, सही है। बोलो बोल एक बार, क्या स्वाद है बनारस। सो स्टार्टिंग अ न्यू डे, होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट एंड फाइन। सो हमने हॉस्टल में शिफ्ट कर लिया, अब हम लोग कुछ टैश हॉस्टल में रुके हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं अस्सी घाट के पास है वो, तो आज हम जा रहे हैं दुर्गा मंदिर और संकट मोचन मंदिर जो फेमस है, और फिर खाना वाना खाएंगे। तो चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं पूरा सफ़र। तो पहुंच गए अब हम दुर्गा मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है ये दुर्गापुर।
अभी हम आए हुए 80 घाट पे। कल हम 10वें घाट गए थे जहाँ आरती होती है गंगा आरती, आ जाए हैं यहाँ पर। ये भी बहुत फेमस घाट है यहाँ का, बनारस का। तो मज़ा आ रहा है, रात को एकदम लाइटिंग चमक धमक आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कोई फंक्शन होने वाला है। और होता ही है, आरती हर घाट पे ही होती है, तो हर घाट पे लोग बैठ जाते हैं शाम के टाइम रोज़ आरती सुनने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अलग एक्सपीरियंस है। तो आप लोग भी जब आए तो ज़रूर घाट आएँ, यहाँ बैठे थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आपको अगर बोट राइड करनी है तो बोट राइड करें, जो भी आपको ठीक लगे। या तो शांति से बस एक जगह बैठ जाएंगे, वो भी आपको अच्छा लगेगा, तो मेरे हिसाब से तो वो भी सही है। पर सही है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। यहाँ बैठिए, खाना पीना खाइए, सबके साथ आरती होगी तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, तो वर्थ इट है। ज़रूर आइए बनारस, तो घाट वगैरह आराम से बैठ के इंजॉय कीजिए। अरे वीडियो में दिखाता ना, जबरदस्त। बनारस स्पेशल लगा।